कुक विद राम जिम में आपका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगा मैंगो फ्रूटी। मैंगो फ्रूटी घर में बनाने के लिए मैंने दो पके हुए आम लिए हैं और दो पीस मैंने कच्चे आम लिए हैं। तो एक कटोरी मैंने चीनी ले ली है। चीनी का मकदार जैसे मैंगो के हिसाब से होगा, मैंगो आपका कितना मीठा है और उसी के हिसाब से आप इसको कम ज़्यादा डाल सकते हैं। तो मैंने जो एक कटोरी लिया है ये 350-350 ग्राम के आसपास है। जरूरत के अनुसार अगर देखूंगा, अगर कम है तो इसको और थोड़ा ज़्यादा डाल सकता हूँ, क्योंकि जो मैंगो है मैंगो का ऊपर है कि मैंगो कितना मीठा रहेगा उसी के हिसाब से चीनी का मकदार कम ज़्यादा होगा। जो मैंगो है इनका मैं पहले दोनों चारों पीसों का ही छिलका निकाल लूँगा। इसी तरह ही जो कच्चे आम हैं उनका भी छिलका निकालना, पूरा कच्चे आम का भी। तो चारों आमों का मैंने छिलका निकाल लिया है। तो अभी इनको एक एक करके छोटे छोटे पीसों में काट लूंगा। तो ऐसे छोटे छोटे पीस आ जाएंगे इसके। तो ऐसे एक एक करके सभी को छोटे छोटे पीसों में काट लूंगा ताकि उबालने में आसानी से अच्छी तरह से उबले। तो इसी तरह जो कच्चा आम है उसको भी थोड़ा छोटे छोटे पीसों में काट लूंगा। कच्चे आम और पक्के आम दोनों को मैंने छोटे छोटे पीसों में काट लिया है। तो इसमें सिर्फ दो चीज़ यही इस्तेमाल होगा, एक कच्चे आम है, एक पक्का आम है और चीनी का। तो इन्हीं चीज़ों से ये मैंगो फ्रूटी बनेंगे, इसमें और किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं होगा। मैंने उबालने के लिए एक बर्तन रख दिया है। तो इसमें जो मेरा काटे हुए जो कच्चे आम है ये पूरे मैंने डाल दिए। इसी तरह जो आम पका हुआ है उसको भी इसमें मिला दूंगा। जो मैंने चीनी रखा है चीनी को भी, हो सकता है मेरे को थोड़ी और चीनी डालनी पड़ेगी क्योंकि जो मेरे आम है जो लाया था मैं ये ज़्यादा पके हुए नहीं है, तो उसी का साथ देख के मैं इसमें और चीनी मिलाऊंगा। तो इनको पकाने के लिए एक गिलास मैंने डाला है, एक गिलास कम है जितने आम है, तो थोड़ा सा ज़्यादा मैंने एक गिलास से पानी डाल दिया है। तो इनको अभी अच्छी तरह से पहले पकाऊंगा। जो मैंने पानी रखा था मैंगो को डाल के, तो उसमें उबाल आना शुरू हो गया है। तो ऐसे ही 10 मिनट तक इनको अच्छी तरह से पकाऊंगा, उसके बाद इसको फ्लेम बंद करूंगा। 10 मिनट तक इसको अच्छी तरह से पहले पकाना है। इनको भी पकते हुए 15 मिनट हो गए हैं और जितने भी आम हैं बहुत ही अच्छी तरह से पक गए हैं। तो अभी मैं जो गैस का फ्लेम है वो बंद कर दूंगा, बंद करके इसको ठंडा होने दूंगा। ठंडा होने के बाद इसको मिक्सर में ग्राइंड करूंगा।
ये अच्छी तरह से अभी ठंडा हो गया है, तो अभी इसको मिक्सर जार में डालता हूँ। मैंने पूरा मिक्सचर डाल में डाल लिया है, तो अभी इसको अच्छी तरह से ग्राइंड करके करेंगे। ये मिक्सचर जार में इसको मैंने बहुत ही अच्छी तरह से ब्रीक कर लिया है। ये देखिए बिल्कुल एकदम पूरा जो था सब पूरा पिस गया है। मैंने एक बर्तन में ये एक जाली रख लिया है, तो इसमें से धीरे धीरे करके पूरा निकाल लूंगा, ताकि अगर कुछ इसमें आम के रेशे वगैरह या कुछ होंगे तो वो भी सब निकल जाएंगे। धीरे धीरे करके निकलेगा और अच्छी तरह से निकल जाएगा। धीरे धीरे करके मैंने पूरा छान लिया है, इतना सा बचा है, और जो मिक्सचर जार था उसमें थोड़ा पानी डाल के, तो उसका भी आसार में लगा हुआ था, तो वो भी निकल जाएगा। लास्ट में बस इतना सा बचा है, बहुत ही अच्छी तरह से धीरे धीरे करके मैंने पूरा इसको छान लिया। अभी मैं इसको एक जग में डाल रहा हूँ। जग में डाल के 1.5 लीटर तक पानी डालूंगा, मगर ये 2-2.5 लीटर बन जाएगा इससे जितना मैंने बनाया है। तो अभी मैंने 1.5 लीटर तक पानी डाल के बनाऊंगा। मैंगो फ्रूटी तैयार है बिल्कुल। अब मैं इनको सर्विंग ग्लास में डालूंगा। बहुत ही अच्छा कलर आया है, जो नेचुरल मैंगो का कलर है। मैंगो फ्रूटी बिल्कुल तैयार है, बहुत ही अच्छी बनी है, बच्चे तो बहुत पसंद करते हैं। तो जैसे मैंने इसको बनाया है, तो इसको आप 10-15 दिन तक फ्रिज में रख के भी यूज कर सकते हैं। अगर मेरा रेसिपी तुहानू पसंद आता है, लाइक करना, शेयर करना, तो मेरे चैनल नू सबसक्राइब भी जरूर करना, तो बैल का बटन भी जरूर दबा देना, ताकि मैं अगे तो होर जो भी वीडियो बनावा उन्हां दा नोटिफिकेशन भी तुहानू मिल